बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ न्यू अपडेट टीवी में। प्यारे दोस्तों, फ्लाइट्स के हवाले से बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, आज इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। खास तौर पे जो मेरे भाई मुतहदा अरब अमारात से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास दुबई का, शारजा का, अबू धाबी का वीज़ा है, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं, या वो नया वीज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से एक रिक्वेस्ट तो लाजमी करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को आप अपने प्यार से हाथों से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि हर तरह की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तो बात पता होगी कि आज की अगर बात की जाए, मुत्तहदा अरब अमारात में जो कोरोना केसेस हैं वो डेली 100 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, यानी डेली कभी 100 बढ़ जाता है, कभी 200, कभी 150, कभी 250। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो पाकिस्तान का नाम भी बहुत जल्द रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जो अभी उन लोगों ने पेंडिंग में रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ओमिक्रॉन के केसेस देखे जाए तो इंडिया की निस्बत बहुत कम है। इंडिया पर तो पाबंदी का ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान पर भी किसी टाइम भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों के पास आखिरी चांस है, ऐसा ना हो कि फिर 4 से 5 महीने तक आप पाकिस्तान में फंस कर रह जाओ, सफ़र कर लो।